आज यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पे इमरान खान का पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, इमरान खान का पुतला फूंका गया, और पिछले दिनों में जिस प्रकार से इनोसेंट की किलिंग हो रही है कश्मीर के अंदर, आज दोबारा 90 के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। पर ये अब जो इस वक्त का समय है ये नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी का है। हम लोग डटकर हमारे सैनिक वहाँ पे खत्म करेंगे, ये बुखलाहट है सैनिक इनके अंदर, आतंकवादियों के अंदर, जिसके कारण स्ट्रेटजी चेंज की अपनी, आम व्यक्ति को राह जाते सिलेंसर वाली रिवॉल्वर से मार के भाग जाते हैं। इसमें हमें वहाँ का जो सिविल समाज है उसको भी जागना चाहिए, और उसके साथ साथ जो वहाँ चौकाल नेता हैं घर बांट के कंडोलेंस करते हैं, अगर उनके साथ कोई कार्यकर्ता है उनको सड़कों पर आके इन परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो इस किलिंग का, चाहे वो बिहार के हैं चाहे कहीं और के हैं, जो इनकी मंशा है कि घाटी को हिंदू विहीन करना, घाटी को हिंदुस्तानियों के हिंदुस्तानी करना, ये हम नहीं होने देंगे। और सचमुच में वहाँ के सिविल समाज को सोचना चाहिए, नहीं तो शायद इसकी कहीं ना कहीं पूरे देश भर में कहीं रिएक्शन आ जाए। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इंसानियत का कत्ल करके, गरीबों का कत्ल करके, रेड़ी वाले का, झुग्गी वाले का, गोलगप्पे बेचने वाले का कत्ल करके, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज का कत्ल करके, वो ये सोचेंगे कि भारत सरकार या जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रवादी समाज डर जाएगा। परंतु इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इमरान खान हो, ISIS हो, या कश्मीर में बैठे इनके समर्थक हो, जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता करते आए हैं, उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। और अब बहुत दिन दूर नहीं जब इनको सूद समेत इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस हालात के अंदर ये जो डिसीजन है ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेना है, जिस प्रकार से वो डिसीजन लेंगे भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है।